दोस्तों आज की जो वैकेंसी है आप सभी की ECIL की तरफ से वैकेंसी आई है। ECIL मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई है। गाइस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पर जो है अंडर वर्क करती है, साथ में देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर यहाँ पर वर्क करती है। इंटरप्राइजेस कंपनी है, काफी अच्छी यहाँ पर रिक्रूटमेंट रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर मैं आप सभी के लिए पहले ये वैकेंसी परमानेंट रहने वाली है, ना ही आपके अप्रेंटिस है ना ही कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। साथ ही बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी रहेगी, अगर आप एक बार यहाँ पर ज्वाइन हो जाते हैं तो उसके बाद आप सभी परमानेंट वो रहने वाले हैं। तो जो है आपको नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और साथ में सारी जो है इंफॉर्मेशन में आपको गाइस यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर देखिए फ्रेशर है कि आज जो है आप सभी के लिए वैकेंसी आ रखी है। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर और साथ ही देखिए ऑल इंडिया में आप सभी कहीं से भी बिलोंग करते हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही गाइस आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ जो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रही है और आप लोगों की देखिए ईमेल आईडी भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। साथ ही गाइस यहाँ जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है परमानेंट वैकेंसी रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। गाइस देखिए आप सभी को थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा हल्का सा, बिकॉज ये जो है आपका नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन है, थोड़ा छोटा था, मैंने जो है इसको थोड़ा जूम कर लिया है। अभी यहाँ पर एक काम कीजिए आपको हाई क्वालिटी पर कर लीजिए वीडियो को, फिर आपको मिल जाएगी। ओके तो चलिए देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी रहने वाली है आईटीआई वालों की रहने वाली है। गाइस आईटीआई वालों की वैकेंसी रहेगी, साथ ही कौन कौन एलिजिबल है देखिए पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, साथ ही यहाँ पर फिटर इलेक्ट्रिशियन, ये मतलब 11 पोस्ट दी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, फिटर वालों की 12 है, इलेक्ट्रिशियन वालों की 3 पोस्ट दी गई है। साथ ही मैकेनिस्ट वालों की 10 पोस्ट दी गई है, टर्नर वालों की 4 पोस्ट दी गई है। ये सभी आईटीआई की ब्रांचेस है, अगर आप आईटीआई किया है तो आपको बिल्कुल एलिजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बात करूंगा इस यहाँ जो है आईटीआई आप लोगों ने किया है एनटीसी या फिर देखिए आपने 10th किया है। यहाँ पर क्या होता है कि आईटीआई आपको 10th की बात की जाती है और आपके पास अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए 1 ईयर देखिए मैं आपको बता दूं आईटीआई वालों का, जो हमारे आईटीआई वाले स्टूडेंट होते हैं जो 2 साल की आईटीआई करते हैं उनका एक तरीके से जो 1 साल होता है एक्सपीरियंस में ही देखा जाता है क्योंकि वो लोग 2 साल की आईटीआई ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ जो है आप लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर लेना और गाइस ये फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी आएगी तो फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप लोग देख सकते हैं। सैलरी पैकेज आप लोग का काफी तगड़ा रहने वाला है, ये देख सकते हैं 20,480 यहाँ पर आपको का सैलरी रहने वाला है, मतलब देख जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसका इंक्रीज भी होता रहेगा। नेक्स्ट जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है 18 है, मैक्सिमम यहाँ जो है 28 एज लिमिट दी गई है। लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आप सभी की देखी जाएगी, इसमें डेट भी दी जाएगी और कुछ आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा क्योंकि रिलैक्सेशन सभी में दिया जाता है एज पर यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा SC ST OBC PWD एक्स-सर्विसमैन सभी के लिए गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं यह जो है आप लोगों को रिलैक्सेशन बताया गया है कितना कितना दिया जाएगा वो देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ जो दिया गया है इम्पोर्टेंट डेट, तो डेट भी यहाँ पर बता दिया गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डेट आप लोगों की जो है स्टार्टिंग डेट। गाइस देखिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 1-2 दिन में ये जो है इसका हो सकता है कि फुल नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यहाँ जो है 4 जून से ये स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही लास्ट डेट जो है 25 जून है, तो लगभग काफी टाइम है, मतलब 20 से 25 दिन आप लोग को मिल जाएंगे, बट आप लोग 20 दिन के करीब ना देखें क्योंकि लास्ट में क्या होता है हम लोग वैकेंसी को भूल भी जाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते या फिर हमारा जो है फॉर्म रह जाता है, बहुत ज्यादा इश्यू हो जाते हैं, तो आप लोग अप्लाई जरूर करें। रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फील्ड टेस्ट होगा, ये आप लोगों के टेस्ट होने वाले हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर तीनों लिंक दी गई है जिससे विल बी आप लोगों को जैसे मेल आएगा तो देखिए यहाँ जो है आपका दिया गया है ईमेल आईडी जो ये जो लिंक है आप लोगों को दी गई है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे जो इसकी मेन साइट है, देखिए मैं आपको बता दूं इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको मेन साइट पर पहुंच जाएंगे। अभी मैंने आप सभी को बताया जहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया वही लिंक दी गई है,
वहां पर ये आप सभी को बता दिया जाएगा कौन कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है कौन नहीं है। तो ये आपके दोनों जो मेन भी ये दोनों लिंक दी गई है मेन वेबसाइट की। और गाइज ये जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लॉन्ग जो है इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कुछ टाइम में, और अगर फुल नोटिफिकेशन आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दी जाएगी, सिलेबस रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँच चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, लाइक के साथ साथ एक प्यारा सा कॉमेंट भी आप लोग नीचे छोड़ सकते हैं हमारे लिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।